गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हरीश खैर नारायण, आई वेलकम यू ऑल टू उत्कर्ष लॉ क्लासेस। हेलो कार्तिक, शिवानी, महेंद्र, निकिता, हैप्पी, अभिषेक, मोहम्मद वका, हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी डूइंग गुड। इसके पहले की क्लास से आप एग्जॉस्ट हुए होंगे मे बी, बट हेलो निकिता, आई एम गुड बच्चे, आई होप यू आर डूइंग गुड एज वेल। और इसके पहले की क्लास अगर एग्जॉस्ट हो गए तो गेट फ्रेश अ लिटिल बिट, और फिर फटाफट हम लोग शुरू करते हैं हमारे करंट अफेयर्स की क्लास को। क्या क्या उसमें हम देखने वाले, आपको तो ऑलरेडी पता ही है, रोज रोज बताने की जरूरत है नहीं। हेलो अर्पिता, गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, तो हम लोग इन जनरल बात कर लेते हैं कि आज का डेट कितना अच्छा है ना। पिता प्यारा डेट है, 22/02/2022, अच्छा डेट है। आज आप चाहते हैं तो हेलो रंजीत, है ना, कौन सी क्लास में हो भाई, हाउ आर यू। हेलो अभिषेक, यस आई एम वेरी गुड बच्चे, ठीक है, गुड मॉर्निंग। यस नॉरिन, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आई होप कि आप सब लोग रिवाइज भी कर रहे हैं, जो जो आपकी बाकी क्लासेस में होता है उसको भी रिवाइज करो, छोड़ो मत। अगर आपने एक बार उसको छोड़ दिया, हेलो ज्योति, एक बार आप उसको स्किप कर गए ना, गया किस्सा खत्म। आपने स्किप नहीं करना है, आपने करना ही है कि आपको पढ़ते पढ़ते उसी टाइम उसको उसी दिन, सेम डे, इट्स पॉसिबल फॉर यू, सेम डे यू कैन रिवाइज द स्टफ, है ना। अगर आप सेम डे रिवाइज करते हो तो इट्स गुड फॉर यू, गुड फॉर मी, गुड फॉर एवरीबडी, आपके दूसरे टीचर्स के लिए भी वो अच्छा है। कई लोग ये सवाल पूछ रहे थे साथ में, लाइक वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स एज वेल, है ना, तो ये बोर्ड्स के लिए भी साथ में प्रिपेयर करते करते हमें कैसे, हाउ टू डील विद दिस, तो ये आपको इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे आप इस पर करते हैं ना। होना बनता है, चलो स्पेशल होना बनता है, ठीक है। तो स्पेशल वैसे तो मुझे कोई आर्टिस्टिक कला, मतलब कोई ऐसी कला आती नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल करके दिखाऊं। एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपने इसके देखते हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी ले लेंगे, ठीक है। अदरवाइज दूसरा कुछ स्पेशल हम लोग आई होप कि कुछ नहीं कर पाएंगे, आई मीन आई बिलीव कि हम लोग कुछ खास स्पेशल नहीं कर पाएंगे अलग से, ठीक है। हाँ, बट ये है कि अगर स्पेशल आपको इन जनरल क्लासेस के मामले में, किसी और मामले में, हेलो मुकेश, गुड मॉर्निंग, किसी और मामले में अगर आपको चाहिए तो वी कैन डील विद इट, है ना। आप सब लोग की रिक्वेस्ट और कमेंट्स हम पढ़ते हैं, इवन दूसरे क्लासेस में भी वी गो एंड रीड अ लॉट ऑफ स्टफ जो आप कहना चाह रहे हैं ना। हेलो अमित, तो आई होप कि आपको, आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि आपके प्रॉब्लम्स हमें पता है कि दीज आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, तो आप उसके बारे में, अच्छा डांस, ओ दैट्स ग्रेट, ठीक है ना, अलग तरीके से लिखा है, हाँ, क्योंकि आज ये दो दिखाना था ना आप लोगों को, अपन फैब लिखते हैं यहाँ पे ना। हेलो राम राम विजय, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते, बहुत हो गया आइस ब्रेकिंग, आई होप कि आप सब लोग अभी एडजस्ट हो गए होंगे इस क्लास में, ठीक है। स्पेशल क्वेश्चंस करवा देना, ठीक है, यस, अरे वो स्पेशल नहीं है, यू डिजर्व इट, यू गाइस डिजर्व इट, एंड वी नो यू गाइस से इट आउट लाउड, आई डोंट फील सो कि ऐसा नहीं लगता मुझे कि आप लोग कुछ पॉइंट आउट कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इट्स बैड और समथिंग, ऐसा नहीं है। इट्स वेरी कॉमन कि आप वो चीज़ बोले, है ना, आप ये बताएं कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट आपको ये भी बिलीव रखना पड़ेगा, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस प्रकार से हम लोग उसके साथ डील कर रहे हैं, ये भी आपको टाइम के साथ में देखना पड़ेगा, ठीक है। हम काफ़ी दिनों तक कंटिन्यूसली उसको लेकर आ रहे थे, लाइक प्रॉब्लम नहीं है उसमें कोई, है ना, देर इज नो प्रॉब्लम इन इट। लेट्स मूव ऑन, क्या कह रहे हैं भैया, पहले हमारा कोट ऑफ द डे क्या कहता है, अ रिवर कट्स थ्रू रॉक नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर बट बिकॉज ऑफ इट्स परसिस्टेंस, दैट्स ग्रेट। परसिस्टेंस के वजह से काटता है एक नदी का प्रवाह रास्ते में आने वाले पत्थरों को, ये सीधा सीधा मतलब है इसका, इसका मतलब क्या है ना, करके आई हो लगता, हाँ, क्या कह रही है कि एक पानी जब एक पत्थर को काटता है तो वो इससे नहीं काटता, किस चीज़ से नहीं काटता, उसकी पावर से नहीं काटता, वो काटता है उसको परसिस्टेंस से, यानी कि कंटिन्यूटी से, वो अब रोज़ सेम चीज़, वही तो है, रोज द हिंदू का फ्रंट पेज, अलग अलग चीज़ आती है ना, रोज़ थोड़ी आती है, सेम चीज़ थोड़ी आती है, तो बोरियत तो होने का चांस ही पैदा नहीं होता। करंट अफेयर्स सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई बिलीव कि आप लोग को उस पर इतना, जितना आप फोकस करते हैं, जितना उसको पढ़ाई के जैसे लेते हैं, वैसे लेने की जरूरत ही नहीं, वो आपके आजू बाजू का रोज़मर्रा जीवन का एक हिस्सा है, वो उसको सिर्फ आप वैसे देखेंगे तो भी इट विल वर्क फॉर यू। इन अदर केस मे बी यू आर बॉदरिंग यूर सेल्फ, है ना, सो ओके ओके बेटा, अब इफ़ यू आर बॉदरिंग यूर सेल्फ इस मामले में, कैरियर करंट अफेयर से, इसमें मैं कैसे डील करूंगा या करूंगी, तो देन इट बिकम्स एन इशू। बट अगर आप इन जनरल सोच रहे कि तो रोजमर्रा जीवन में होने वाली चीज़ें हैं, रशिया यूक्रेन वॉर के हम डिस्कस करते हैं, अगर रशिया यूक्रेन स्टैंड ऑफ का डिस्कशन करते हैं, इंडो चाइना का डिस्कशन करते हैं, ठीक है, यस, नो बडी टेक्स इट इन ऑफेंसिव मैनर, क्लियर करने के लिए सफिशियंट है क्या, मे बी इट सफिशियंट, आई कैनॉट से इट आउट लाउड महेंद्र, बट यू गॉट बी सीरियस इनफ, और आपको इतना होशियार खुद से बनना पड़ेगा कि यू नो कि ये इनफ है कि नहीं है, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट इनफ, इफ आई एम टेलिंग यू इट्स ऑलमोस्ट इनफ, हाँ, प्रैक्टिस आपको खुद करना है, ठीक है, प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, और वो अगर आप खुद नहीं कर सकते तो दैट्स वाई वी आर हियर, है ना, और कई सारी और चीज़ें हैं जो एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग डील करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप कोर्स के अंदर ही कर सकते हैं, सो दैट्स वाई आई बिलीव कि गाइड बहुत होना जरूरी होता है, वेन यू गो फॉर हायर एजुकेशन देर इज ऑलवेज अ गाइड, है ना, तो वो गाइड इसीलिए दिया जाता है, हायर एजुकेशन यू कैन टेक ऑन योर ओन, क्योंकि कंप्रेंशन होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एजुकेशन इज कंप्रेंशन, आपको इस पर ध्यान देना है, कई बहुत कम बार ऐसा होता है कि अप्लाइड एजुकेशन होता है, यू नो प्रैक्टिकलिटीज, है ना, ज़्यादा भी पढ़ा दो जब तक खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि करंट अफेयर्स का तो टोटल पढ़ना पड़ेगा पर डे के सब्जेक्ट, यस यस यस, लेकिन एक घंटे, हाँ यस, वेरी गुड, यही दिस इज द पॉइंट, और इसी वजह से, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि एक मेन प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि वी गो फॉर द बैचेस एज वेल, है ना, हम लोग बैचेस को भी देखते हैं, तो आपको उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यस यस, गो ऑन सनम, ओके,
तो आई होप आपको समझ में आया कि परसिस्टेंस हमें कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यूटी रखनी है, ताकि रोज़ आप एक अपना परसिवरेंस के साथ में उसको डील करते रहिए, ताकि जब भी आगे एग्जाम आए तो आप उस एग्जाम के सामने फेल नहीं हो, आपको क्वेश्चन देने में कोई अड़चन नहीं आए। लेट्स मूव ऑन, अगली चीज देखते हैं क्या कह रहा है हमारा ब्रेन बूस्टर। फंडामेंटल ड्यूटीज विच वे इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। नाउ द क्वेश्चन इटसेल्फ बिकम्स एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि यहां पर रिकमेंडेशन के बारे में बात की गई है स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में, यानी कि स्वर्ण सिंह कमेटी भी कोई एक चीज होगी। आप थोड़ा देर टाइम लेके पढ़ लेगा तुम करके जाओ, वो अच्छा रहेगा, 15 मिनट्स और लगे तो हो जाएगा। यस दैट्स है ना सर, कुछ ही पूछ आता है, ठीक है, रिवीजन कब से होने लगेगा। हाँ अब नॉरी दैट्स अ नाइस क्वेश्चन, रिवीजन कब से होने लगेगा। नाउ यू गॉट लाइक अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, दैट अ लॉट ऑफ सिलेबस ऑफ योर सेल्फ और जो आप कर रहे हैं क्लासेस में भी वो कंप्लीट हो रहा है ना, कंटिन्यूसली अभी आप ये देख रहे होंगे। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि करंट अफेयर्स का सिलेबस जो है, यू कैन गो फॉर इट, कि जैसे हम शुरू से लेकर आते हैं और एंड तक पूरा पूरा खत्म करने के लिए कोई लिखित में नहीं है हमारे पास में, एक ऐसा डेटाबेस नहीं है कि यही आएगा यही पूछा जाएगा। सो अंटिल एंड अनलेस वी फील कि हमारे पास में इतना टाइम है तो उसके पहले वील स्टार्ट रिविजन ऑटोमेटिकली, ठीक है, करंट वाली क्लास के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सबके लिए यू गो टू ऑल दिस टीचर्स एंड आस्क देम कि सर हम कब से करेंगे। ओके बी 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 लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग बी, ओके 42nd, वेरी गुड, 1976 में आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था वो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से आता है, और वो सेटअप ही इसलिए की गई थी कि ये सारे इमरजेंसी के बाद में जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको ठीक करने के लिए उसको सेटअप करा गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं कि कमेटी कौन सी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी थी, ठीक है, आई कब थी 1976 में, और इसके द्वारा जो रिकमेंडेशन थी पूरे पूरे मतलब जितने भी रिकमेंडेशन हमने अडॉप्ट करे थे वो सारे है ना, यस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यस है ना, और इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम जानते हैं, ठीक है, और ये आए थे स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, बहुत सारे बदलाव आए, कई सारी चीजें लागू हुई इसमें, कई सारी चीजें हम लोगों ने। तो यहां पर बात की जा रही है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अब ये हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आती कहां से है, क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज, हमने ली कहां से है। सो इफ एनीबडी ऑफ यू नो कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से बोरो करी हुई है, वी हैव बोरोड अ लॉट ऑफ फीचर्स जो हमारे ओन नहीं है, है ना, ओके जो हमारे ओन कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ, ओके नो आई बिलीव कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप द वॉइस इज क्लियर नाउ, ओके सही फाइन सेइंग बी, ओके सही यू आर लेट है ना, we have already answered it, it's 1976, but हम लोग बात कर रहे हैं अब स्वर्ण सिंह कमेटी, yes, अब हम क्या बात करें वो जान लो, हम बात करें कि fundamental duties कहां से borrow की हुई थी, वो मुझे बताओ कि fundamental duties हमने कहां से borrow करी हुई है, if you have borrowed it from somewhere, है ना, नितीश से बताओ, अरे ध्यान दे अभिषेक, जवाब दो, okay, रशिया से, somebody saying कि रशिया से borrow करी हुई है, anybody else thinks something different, है ना, और हमें यहाँ पे एक पेज ऐड जरूर करना पड़ेगा, क्या उसके पहले हम लोग फ्रंट पेज पे देख लेते क्या है, क्योंकि फ्रंट पेज पे, हेलो शाम्बी, गुड मॉर्निंग, फ्रंट पेज पे हमारे लिए लिखा गया है, हमारे लिए एक न्यूज आई है जो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेट करती है, क्योंकि एक प्ली फाइल करी गई है जो कहती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो होनी चाहिए एनफोर्सिएबल, है ना, वो दोनों ही नहीं है, जस्टिसिएबल भी नहीं है और एनफोर्सिएबल भी नहीं है, ओके यूएसएसआर, एनीवन एल्स हु थिंक्स डिफरेंट देन दिस, ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ, यूएसएसआर ले लीजिए, यूएस ले लीजिए, जापान ले लीजिए और कनाडा ले लीजिए, अब बताओ भाई कहाँ से ली है, ठीक है, ओके तो सिंपल सा लॉजिक है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि कौन सा फीचर कहां से लिया है वो समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा, ओके सर से एनीवन एल्स, ठीक है, कल बताया था यार, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हाँ तो स्वर्ण सिंह कमेटी क्या है वो भी समझ में आएगा क्या नहीं है, फ्रंट पेज पे जाते हैं फिर हम लोग उसके ऊपर वापस आएंगे और एक पेज ऐड करके इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, ओके ओके ओके, लॉट ऑफ पीपल आर गिविंग सेम द सेम आंसर, प्लीज गो और उसको चेक कीजिए कि क्या आप सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। फ्रंट पेज पे आते हैं, क्या कहता है फ्रंट पेज, द हिंदू का फ्रंट पेज, ट्यूजडे फरवरी 2022, 22 फरवरी 2022 की बात हम लोग कर रहे हैं, जर्मनी, ओके नहीं जर्मनी सुन लिया बेटा, कनाडा नहीं, ओके ठीक है, ओके कनाडा से क्या लिया है हमने, फिर हमने कुछ कनाडा से बोरो किया है क्या, ठीक है, दिल्ली सिटी एडिशन, ओके हम लोग बात कर रहे हैं फ्रंट पेज के बारे में, क्या क्या कहता है फ्रंट पेज देख लेते हैं। फॉर्डर स्कैम है, फॉर्डर स्कैम में 5 साल की जेल और 60 लाख है ना जुर्माना फाइन, यानी 60 लाख रुपए का फाइन भी सुनाया गया है लालगढ़, है ना, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, नो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके हेलो सत्यम, ओके कनाडा यूएसएसआर से ही ली गई है, ओके दैट्स गुड नॉरी, ओके तो मेल फीमेल दोनों लग रहे हैं, अरे छोड़ दो उससे तो मैं क्या लेना देना भाई लोग, ठीक है, तो अब ये लिस्ट डाउन अगर आप करेंगे तो ये बड़ा पुराना है, ये जाता है 1996 में, शुरुआत इसकी होती है जनवरी 1996 में, फिर चार्जशीट फाइल होती है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे केस आगे बढ़ता है, जून जुलाई 1996 तक धीरे धीरे लालू प्रसाद
इस वाले मामले में कन्विक्ट हो जाते हैं, उनके खिलाफ जो आरोप है वो सिद्ध हो जाते हैं, पर धीरे धीरे वही वो मेडिकल में जाते हैं और इस चीज़ के लिए बहुत सी चीज़ें फेस करते हैं, वो हमारे लिए जाना जरूरी नहीं है, वो फोटो स्कैम के आप इतना डिटेल में पीछे जाएंगे भी नहीं, पर हाँ इस वजह से सीबीआई बॉडी है तो सीबीआई के बारे में जो जो हम जानते हैं वो हमारे लिए जानकारी रखना जरूरी है। इस फोटो स्कैम के बारे में आपको सवाल पूछा जाएगा ऐसे जरूरी नहीं है। हाँ, अगर हम पर्टिकुलरली स्कैम्स की बात कर लेते हैं तो फिर हमें यह भी जानना पड़ेगा कि कितने कहाँ हुआ था, एनिमल हस्बेंड्री केस थी, पैसे आए हुए थे तो वो कैसे बजट से आए हुए, पैसे जो अलॉटेड थे उनको उन्होंने अपने अंदर के लिए वो पैसे ले लिए अपने खुद के लिए, है ना। फोटो स्कैम क्या है, सिंपल सी बात है, ये एनिमल हस्बेंड्री स्कैम के नाम से भी जाना जाता है। इस डिपार्टमेंट के लिए जो पैसे आए थे 140 करोड़ रुपए का स्कैम जैसे बोला जा रहा है यहाँ पर, तो 100 करोड़ से ज्यादा की रकम खुद तब के तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव, है ना, एक चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने वो पैसे निकाल लिए थे। सिंपल सा लॉजिक, इतना सा बात है कि फ्रॉड स्कैम क्या है, इसमें उन्होंने पैसे निकाल लिए थे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अच्छा ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कनाडा से लिया है, और इनका कहना है, इसको कंफर्म करो भाई लोग बाकी सब, ठीक है। और ये ऑलरेडी जेल में, अभी एक और चीज, अभी जब ये कन्विक्ट हो गए हैं, जब इनको बोल दिया गया है कि अब आप जेल में जाएंगे, ठीक है, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड और स्पेन दोनों रेफरेंस है यहाँ पे, फंडामेंटल डीएसएसआर से, राइट्स यूएसए से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका से, कॉन्करेंट लीज ऑस्ट्रेलिया से, वेरी गुड, साउथ अफ्रीका से एक और चीज ली हमने, पर वो हमारा डिस्कशन का मुद्दा है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की ये क्लास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने अब एक और चीज, जैसे किसी ने पूछा कि सर फोटो स्कैम, यही है कि उन्होंने वो पैसे अननेसेसरी तरीके से या फिर इलीगल तरीके से अंदर कर लिया है, ले लिए, निकाल लिए, और वो घूस खाने के चक्कर में फिर वहां पर पकड़े जाते हैं। होता यह है कि हमने कुछ दिनों पहले ही देखा कि अगर कोई कन्विक्ट हो जाता है उसके बाद में रेसिडुअरी पावर, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, ओके, स्ट्रॉन्ग सेंटर, दैट्स गुड, है ना, उसके बाद में 6 साल तक, कितने साल तक, 6 साल तक, 6 ईयर्स, 6 साल तक ये कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। हमने उसी दिन देखा था ना कि जिस दिन उनकी जेल टर्म खत्म होगी उसके बाद में 6 साल के लिए वो नहीं, है ना। फॉर्डर स्कैम मीन मतलब क्या, स्कैम का मतलब शायद आपको पता होगा घोटाला, फॉर्डर का मतलब है चारा, चारा घोटाला, फॉर्डर स्कैम मीन वो हम लोग बहुत डिस्टेंट है ना इससे, क्योंकि फॉर्डर स्कैम तो हमें पता नहीं है, क्योंकि यस ऑब्वियसली आप उस वक्त नहीं थे तो आपको पता होना वाजिब है नहीं, भी नहीं, मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि क्या होता है फॉर्डर स्कैम का मतलब क्या है, वही बता रहा था कि चारा जो है एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का जो डील करता है फॉर्डर्स में, जैसे चारा वगैरह जो है सरकार की तरफ से जानवर को दिया जा रहा है, सस्ते में लोगों को दिया जा रहा है ताकि जानवर को मिलता रहे और फिर उनके ऊपर से जो इनकम आ रही है वो कंटिन्यू होती रहे, उस चारे में घोटाला करके लालू प्रसाद यादव वहां के जो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने 140 करोड़ रुपए अपने जेब में कर लिए थे, डाल लिए थे, तो उसकी वजह से ये घोटाले में उनको सजा हो रही है, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश, ओके वेरी गुड, तो उसके ऊपर किसने बताया था भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म के बारे में, है ना, मेरे को लग रही है लड़का क्लाइंट नहीं प्रिपेयर कर रहा है ना, रट के रखा है, ठीक है, ओके गुड, आगे ध्यान दो, ये है भैया, ये क्या बात की जा रही है, डिबेट ऑन जीएसटी रिफॉर्म्स, कहां पर जीएसटी रिफॉर्म्स किए जाने हैं, रोल बैक ऑफ रेट करेक्शंस ऑन टेक्सटाइल, ओके, टेक्सटाइल के बारे में हम लोग जानते हैं कि पहले कुछ और बोला जा रहा था कि जो जीएसटी रेट्स है उनको हटा के या फिर जो ड्यूटीज है उनको हटा के एक्सटेंड करने की बात की गई थी, बढ़ाने की, स्कैम मीन्स फ्रॉड, यस, है ना, घोटाला, वही तो बताया मैंने, हाँ, तो उनको बढ़ाने की बात की जा रही थी, अब उसको वापस घटाने का डिसीजन भी हमारे ही फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस मिनिस्टर ने लिया है, ठीक है, तो अब हम लोग ये जानते हैं कि जब ये, ओके, दोनों नटरियस, हाँ, जब हम जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ये डिसीजन ले चुके, पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके ऑलरेडी, पर अब हमें ये जानना है कि ये पीएलआई स्कीम है क्या, है ना, स्कैम घोटाला, है ना, सही बताया था, यस वेरी गुड बेटा, है ना, पीएलआई स्कीम है क्या, हाँ ये हमें जानना है ना, ओके, तो ये पीएलआई स्कीम क्या है, हमने पहले पढ़ी हुई है, उसको हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे फिर उसके बारे में जानेंगे ना, हाँ सर, हाँ देख तो रहे हैं, और सर मुझे अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि आसिफ सर क्लास देखते हैं, आसिफ सर बोल रहे थे कि मैं क्लास देखूंगा, और सर आप जीएसटी ऑन टेक्सटाइल्स, है ना, और कितना परसेंट, 15% 10% का यहाँ पर जो मार्जिनलाइजेशन हो रहा है वो डिफरेंस आ रहा है 10% और 15% के बीच में, यहाँ पर दिक्कत हो रही है अभिषेक, है ना, टू बी मोर प्रॉम्प्ट और प्रिसाइज, अब यस क्लास देख रहे, और जब भी आप ये बीच में बातें करते हैं सो इट लीड्स टू समथिंग डिफरेंट जो आपको पता भी नहीं है कि हाउ व्हाट सीरियसनेस इट लीड्स टू, ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वन, अच्छा अब हम देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, क्योंकि वो हमारे लिए जानना आप जरूरी है, क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज मस्ट बी एनफोर्स्ड, क्या है इसका मतलब, क्या है, क्यों मत डरो अभिषेक, क्यों मत डरो, आप डरो, सबको डरना चाहिए, डरना बहुत जरूरी है, ठीक है, डरो मत, क्या मतलब आप आके यहाँ पर रैंडम कमेंट्स करके जाएंगे, क्लास डिस्टर्ब करके जाएंगे, इट विल वर्क, नो, इफ यू फील सो कैसा होगा, यस, इफ यू फील सो कैसा होगा तो देन यू आर रॉन्ग, आई बिलीव एंड आई हैव टू प्रूव यू रॉन्ग समडे, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो डरो मत, है ना, सो नथिंग वर्क्स लाइक दिस, ऐसा कहीं भी वर्क नहीं करता है, कभी लाइफ में कभी भी ऐसा वर्क नहीं करेगा, ठीक है, ओके, आगे बढ़कर देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, जान लेते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्स की जानी चाहिए, ऐसी एक प्ली आई है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या,
फंडामेंटल ड्यूटीज आती ही इस नजरिए से है कि जब हम लोग है ना इतना टैक्स क्यों भी बता रहा हूँ, ठीक है इतना टैक्स क्यों भी बता रहे हैं, ये तो हम जब पीएलआई देखेंगे तब हम जानेंगे टैक्स क्यों, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम है बेटा, टैक्सेशन सिस्टम है, टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, है ना। ओके है ना, हाँ ओके अक्षय बोले सर पूरा लेक्चर झाड़ दिए, सही से पढ़ तो लेते, ठीक है तो ध्यान दो ठीक है। हाँ हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर रहे हैं और शुरू करते हैं कि भाई शुरुआत से लेके कि जब राइट्स आते हैं, व्हेन यू गेट राइट्स, तब आपको ये पता चलता है कि राइट्स के बाद में उनके ऊपर कोई और ऐसी जिम्मेदारियां भी दी जानी चाहिए, तो विद द राइट कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो नाउ राइट्स आर योर पावर, आपके फंडामेंटल राइट, आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपकी पावर है, एंड विद दिस पावर कम्स व्हाट, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर व्हाट, फंडामेंटल ड्यूटीज, बिकॉज नाउ यू हैव टू फॉलो देम, अगर आपको राइट्स मिल रहे हैं तो आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा, आर्टिकल 51A इज डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज, वो भी जान लेते हैं क्या है क्या नहीं है, डिटेल में जान लेते हैं तो आपको उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशनल के वाले तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, बट इन जनरल पढ़ रहे हैं कि क्या हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को किस प्रकार से किस दायरे में, कायदे के दायरे में लाना चाहिए, क्या वो, ये वेरी गुड, पार्ट 4A, पार्ट 4A और आर्टिकल 51A, ठीक है, ये डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है ये पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर लगाए गए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है ना, हाउ डू इट ओके, हमारे ऊपर लगाए गए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो हमें ये सिखाते हैं या ये बताते हैं कि जब हम भारत के नागरिक के तौर पर, यस ओके बट ऑल द बेस्ट, जब है ना अगर देयर इज राइट ड्यूटी फ्रॉम ज्यूरिसप्रूडेंस, हां तो जब हम ये जानते हैं कि इस प्रकार को हमें डील करना सिखाना पड़ेगा हमारे नागरिकों को, उनके ऊपर कोई चीजें लादनी भी पड़ेगी, क्योंकि जब हम उन्हें राइट दे रहे हैं तो हमें उनके ऊपर कोई चीज लादनी भी पड़ेगी, तो उन चीजों को हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम उसके साथ डील कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्यूटीज में जनरली क्या क्या आता है, बेसिक सी बात है, ड्यूटीज में जनरली क्या क्या आ सकता है, देश की इज्जत करो, तो हमारे देश की इज्जत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे नेशनल एम्बलम है, नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, इसकी इज्जत करना पड़ेगा, यानी कि डील पहला जो है वो क्या है, नेशनल फ्लैग, ठीक है, फिर नेशनल एंथम है ना, इसकी रिस्पेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना, मतलब इन मामलों में फंडामेंटल ड्यूटी डील करते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट करो इस चीज की, क्या करो, रिस्पेक्ट करो, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज 11। हाँ अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, आप आगे बहुत बढ़ जाते हैं तो फिर पूरा फ्लो टूट जाता है, तो अगर ऐसा ही है तो इट्स मौलिक कर्तव्य, ठीक है, हाँ जैसे मौलिक अधिकार है वैसे मौलिक कर्तव्य भी है, ठीक है, ड्यूटीज है ना, मौलिक, यस वेरी गुड बेटा, तो आप बताते रहते इन्फॉर्मेशन, आप वो बीच में इन्फॉर्मेशन पढ़ते रहिए, वो मैं पढ़ूंगा नहीं और फिर मैं अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन बताता चलूंगा, तो आप लोग जो लिखेंगे उसमें आपको लिखते रहिए जो आपको लिखना है, ठीक है, आप बेटर जानते हैं, ज्यादा जानते हैं तो आप उसी में लिखिए और आप बाकी लोग भी उसी में से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो दूसरा क्या है, जब हम नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की इज्जत करेंगे, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करेंगे, तब हमें ये भी पता है कि हमें कुछ नोबल आइडियाज है जिन्होंने हमें ये फ्रीडम दिलाया है, तो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उसको भी हमें याद रखना पड़ेगा, यानी कि फ्रीडम के लिए जो हमारा स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल, नोबेल आइडियाज है ना, उसको भी हमें याद करना पड़ेगा, उनको रिमेंबर करना पड़ेगा और उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, हमारे जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है उसको भी, ठीक है। फिर हमारी यूनिटी, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी को हमें संभाल के रखना पड़ेगा, उसको एक रखना पड़ेगा, कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ठीक है, इसी मतलब ऐसी कुछ कुछ क्या क्या चीजें वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब तक हम लोग कितनी देख चुके हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, कितनी देख ली हमने, 1, 2, 3 तो देख ली, ठीक है, और जो जो हमें याद आ सकती है, बेसिक बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या हो सकती है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या क्या हो सकती है, ठीक है, तो वो हम लोग देख रहे हैं कि भैया जितनी हमें याद आती है, ठीक है। फिर जब भी कभी आपके कंट्री के ऊपर कोई ऐसा सवाल उठे, कोई प्रॉब्लम आए, तो आपको डिफेंड करने जाना है, डिफेंड कंट्री है ना, सर्विस, व्हेनेवर आस्क्ड, asks की जगह ये बोलेंगे render upon whenever needed, so मतलब जब भी आपकी जरूरत पड़ती है तब तब आपको वहां पर जाना चाहिए, ठीक है, सर एडवाइस, ठीक है। प्लस इसके साथ में दूसरी एक चीज क्या है, मतलब इन जनरली एक हार्मनी बना के चलनी है, हमें क्या बना के चलनी है, हार्मनी बना के चलनी है, ब्रदरहुड बना के चलना है, लोगों में आपस आपस में हार्मनी बना के चलनी है, हार्मनी बना के चलनी है, ब्रदरहुड बना के चलना है, है ना, आपस में सब लोग ब्रदरहुड बना के चलेंगे, कोई भी धर्म, रिलीजन के तौर पर, कास्ट के तौर पर हम डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे, लिंग्विस्टिक मामलों में डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग
क्या करेंगे, लिंग्विस्टिक मामलों में डिफरेंस नहीं करेंगे। फिर हम लोग डिग्निटी ऑफ वुमेन को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। तो अब ये सब बाद में हमें डिटेल में और भी जानना है, तो पहले तो हम लोग लिख ले रहे हैं कि कौन सी हमें जितनी जितनी याद आ सकती है, फिर इनके बारे में डिटेल में हमें जानना है क्या क्या हो सकता है इसका, ठीक है। फिर हम लोग हमारा जो हेरिटेज है, कल्चर है, उसको याद रखेंगे, रिच हेरिटेज, कल्चर, उसको हमें याद रखना है कि हेरिटेज कैसे काम करता है, कल्चर कैसे है, हमें उसको कैसे संभाल कर रखना होगा, क्या क्या चीजें है ना, है ना, हाँ यस ओके है ना। तो ये हमें चीजें जो बेसिक बेसिक है उनको याद रखना है। इसी के साथ में ये कैसे कनेक्ट करती है ये भी बताऊंगा, जो प्ली है वो कैसे खोखली है या फिर वो कैसे स्ट्रांग है, उसका क्या मानना है या क्या वो कह रहा है कोर्ट से, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है, ना तो फिर अपन मिस कर जाएंगे, ठीक है। रिच हेरिटेज हमारा कल्चर है ना, कंपोजिट कल्चर है, उसको हमें याद रखना है, ध्यान में रखना है। इसी के साथ में क्या है कि हम लोग जनरली सबके लिए, जितने भी लोग हमारे एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए एक चीज एनवायरमेंट को लेकर हमें उनको बोलना है कि फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट को लेकर, फॉरेस्ट है ना, रिवर, एनवायरमेंट, ठीक है, सात तो हमने ऐसे लिखा दी, बेसिक बेसिक, ठीक है ना, ओके नेक्स्ट थिंग। तो इसके ये तो हम जानते हैं, इसी के साथ में हमें ये बोला गया कि साइंटिफिक टेंपर को डेवलप करो, है ना, या फिर आप ये करो कि ह्यूमैनिज्म को या इंक्वायरी का एक स्पिरिट डेवलप करो, ठीक है, साइंटिफिक टेंपर को, ह्यूमैनिज्म को, यानी सबके प्रति ह्यूमैनिटी की भावना, ठीक है, और ये जनरली आपको डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करना है, यस गो ऑन सत्यमास्क, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजों का क्वेश्चंस, यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, और जब भी क्वेश्चन मार्क होगा सामने तो मैं पढ़ लूंगा और उसका जवाब आपको जरूर दे दूंगा। यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस बट नथिंग नॉनसेंसिकल, नो नॉनसेंसिकल थिंग विल बी रीड अगेन इन दिस क्लास, ठीक है। अगली चीज, साइंटिफिक टेंपर को डेवलप करो, पब्लिक प्रॉपर्टी को अच्छे से प्रोटेक्ट करके चलो, उसके यहां पर वायलेंस में उसको नुकसान मत पहुंचाओ, ठीक है, उसको सेफ गार्ड करो, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करो, वायलेंस के खिलाफ, वायलेंस नहीं होना चाहिए, वायलेंस के खिलाफ उसको बचाओ, ठीक है। फिर दसवीं हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या हो सकती है, जनरल, ये सब जनरल बातें हैं ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाओ वगैरह वगैरह, एक्सीलेंस की तरफ स्ट्राइव करो, है ना, तो ये बेसिक है, कुछ नहीं, ये एकदम सब्जेक्टिव है, स्ट्राइव टूवर्ड्स व्हाट, एक्सीलेंस, है ना, एक्सीलेंट बन के दिखाओ सब मामलों में, कलेक्टिवली भी इंडिविजुअली भी, ये मानती है फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी। फिर और फिर इलेवेंथ है कि 6 to 14 के इयर्स के बच्चों के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन उनके लिए जरूरी है, कंपलसरी है, ये इतनी हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब हम उसको वापस डिस्कस करने ही वाले हैं, टेंशन मत लो आप उसके बारे में। अब एक और स्लाइड ऐड करके हम लोग, या फिर यहाँ पर एक जगह है हमारे पास में, होता यू है कि 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आती है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड होती है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, जब हम लोग 21A को भी ऐड कर देते हैं फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ठीक है। तो यही है बेसिक एजुकेशन का जो राइट है ना, विजिबल हैंड टैटू अलाउड है ना, ठीक है, यस यस, विजिबल हैंड टैटू अलाउड, नो प्रॉब्लम, ठीक है सर, इन्फॉर्म मुझे तो यही चाहिए था, ठीक है, यस, हाँ, ओके, नेक्स्ट थिंग। अब ध्यान दो कि क्या है भैया, क्या हम शुरू से जान लेते हैं, क्या ये बंदा क्या बोल रहा है, इसको देख लो, ये बंदा बोल रहा है कोर्ट के सामने आके कि जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कोर्ट में एनफोर्सिएबल होनी चाहिए। दो प्रकार होते हैं, कोई भी ड्यूटी या राइट एनफोर्सिएबल हो सकता है या तो फिर जस्टिसिएबल हो सकता है, बिल्कुल कराएंगे बेटा, सारे सब कुछ हम करा रहे हैं, ठीक है, नोट कर लेता हूं सर, यस बिल्कुल। अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज को जान चुके हैं, अब ये कैसे आते हैं ना, विद लास्ट ड्यूटीज अबाउट एजुकेशन, बट व्हाट इज, व्हाई इज इट आल्सो इन फंडामेंटल राइट, बिकॉज इट इज इन फंडामेंटल राइट, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है, तो वो जस्टिसिएबल है नेचर में, यही तो फर्क है कि ड्यूटीज जो है वो एनफोर्सिएबल होगी क्योंकि कोई उसको आपके ऊपर एनफोर्स करेगा, और राइट जस्टिसिएबल है क्योंकि आप कोर्ट के पास जाके उसके खिलाफ प्ली लगा के अपना राइट जस्टिस मांग सकते हैं, इसलिए वो जस्टिसिएबल होंगे। तो एनफोर्सिएबल और जस्टिसिएबल में ये बेसिक सा डिफरेंस है, राइट्स जो होते हैं वो जस्टिसिएबल होते हैं और ड्यूटीज जो होती है वो अगर आपको दिया जाती है तो वो फिर एनफोर्सिएबल होगी। इसका मतलब क्या कि वो आपके ऊपर एनफोर्स की जा सकती है। तो क्या ड्यूटीज एनफोर्सिएबल है? नहीं है, अभी फंडामेंटल ड्यूटीज भारत में इनफोर्सिएबल नहीं है, और ये प्ली जो लगाई गई है ये बात करती है उनको इनफोर्सिएबल बनाने के बारे में, यानी कि ऐसे कोई प्रॉपर लॉ है, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया और उसको अगर आप नहीं मान रहे तो फिर वो हरकत आपकी अनकॉन्स्टिट्यूशन मानी जाएगी, है ना, तो फिर उसके खिलाफ आपके ऊपर कोई लॉ ही नहीं है, रैंडम लॉज में आपको फंसा दिया, ऐसे नहीं, उसके खिलाफ प्रॉपर लॉज होने चाहिए। तो बेसिक सी बात जानिए भाई लोग, इतना रॉकेट साइंस उसमें ही नहीं, ध्यान दीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
हमारे यहाँ पर नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट नहीं किया तो, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट नहीं किया तो इसके खिलाफ हमारे पास में ऑलरेडी लॉज है। कब से? 1952 से इसके खिलाफ हमारे पास लॉज है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट नहीं करी तो इसके खिलाफ भी हमारे पास लॉज है, कोर्ट है, सब कुछ चीजें हैं, ऑलरेडी हमारे पास लॉज है ना। नेशनल फ्लैग इन्फोर्सेबल होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए, है। नेशनल फ्लैग के लिए हमारे पास ऑलरेडी लॉ है और उसके तहत आपको सजा हो सकती है, आपको कन्विक्ट किया जा सकता है, आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, आपके ऊपर फाइन इंपोज किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी ड्यूटीज एनफोर्सेबल नहीं है, एज इन अ होल ड्यूटीज एनफोर्सेबल नहीं है, बट उसमें से ये ड्यूटी तो एनफोर्सेबल है। इसके खिलाफ कोई आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है अगर आप ये एक्शन लेते हो। संजय किशन कॉल, ओके। अगली चीज, फ्रीडम स्ट्रगल। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को रिस्पेक्ट नहीं करते, नोबल आइडियाज को रिस्पेक्ट नहीं करते। ये बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत वास्ट है कि किसने किस आइडियल की इज्जत करी कि नहीं करी, किसने किसको मान दिया, सम्मान दिया, नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल चॉइसेस का भी मैटर हो सकता है। हमारा देश आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस से भरा पड़ा है। अगर आप आज डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं तो वीर सावरकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सब लोगों को लोगों ने अपने आपस में बांट लिया है। एक बड़ी प्यारी सी कविता थी कि जो कहती है, जो बात करती है पुतलों के बारे में, कि कई बार लोग ये कहते हैं कि पुतले आपके हिस्से में कौन से पुतले आए। जातिवादी लोग कहते हैं कि हमारे हिस्से में इनका पुतला आया, कोई बड़ी जात वाले कहते हैं हमारे हिस्से में इनका पुतला आया। सब सब पुतलों की बात कर रहे होते हैं कि भाई मेरे हिस्से में इसका पुतला आया, हमारे ये नेता, हमारे वो नेता, हम इनके, हम उनके, हम इनके, ये बातें करते रहते हैं। तो उस वक्त वहां पर जाके भाई गांधी जी बोलते हैं कि आपके कम से कम आपके इसमें इस जात का तो पुतला आया, मेरे साथ तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ, मेरे साथ तो मतलब मेरे नोट पे फोटो छप गई, तो मेरे यहाँ पे तो सिर्फ भ्रष्टाचार। मतलब वो इन जनरल इसका एक वास्ट जो कनोशन है या एक नोशन है वो ये कहता है कि बेसिकली हमें ये वास्ट आइडिया है तो इसको हम इन्फोर्सेबल कैसे कराएंगे, आप इसको कैसे इन्फोर्सेबल कराएंगे। हाँ, इसके खिलाफ अगर कोई गलत सलत बोल देता है तो उसके खिलाफ तो बहुत सारे चार्जेस आपके पास ऑलरेडी है जो आप लगा सकते हैं, ठीक है। व्हाई इज इट अ ड्यूटी इफ इट इज अ फंडामेंटल राइट, सो इट इज इनफ। वो भी बता रहा हूँ ना बच्चे, देखो ध्यान दो। ओके, दैट्स अ नाइस आइडिया, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। नाउ हेलो गौरव, सत्यम ने यह सवाल पूछा है कि सर अगर वो ड्यूटी है तो वाई, मतलब वो ड्यूटी क्यों है, अगर वो फंडामेंटल राइट है तो वो इनफ है। राइट का मतलब, अगर मैं 6 से 14 साल का बच्चा हूं तो मैं कोर्ट में जा सकता हूं और ये बोल सकता हूं कि ये मेरा राइट है, ये मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे लड़ना पड़ेगा अपने एजुकेशन के लिए, और जो कि मुझे खुद को न्याय एक्सेसिबल नहीं है, जस्टिस एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद 6 से 14 साल के बीच में हूं, तो मेरे लिए किसी और को वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर भी वी हैव लेट इन, हम उसको, आई मीन वी हैव लेट इट नो कि लेट इट बी कि कोई दिक्कत नहीं है, इसको राइट में भी रहने दो, उस बच्चे का ये राइट तो है ही, क्योंकि अगर कल को उस बच्चे को पढ़ाई शिक्षा नहीं मिल रही है और वो कोर्ट में जाता है किसी के सपोर्ट के साथ में, तो उसको कोर्ट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए इसको हमने फंडामेंटल राइट में भी रखा है, ठीक है। प्लस एक और चीज, अब इसको फंडामेंटल ड्यूटी में क्यों रखा, क्योंकि जो उसके माँ बाप है या जो उसके आसपास के लोग हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों की पढ़ाई करवाना है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही केसेस में हमने इसको डाल के रखा हुआ है, यानी कि एजुकेशन को हमने कितना मान और कितना सम्मान दिया हुआ है, ठीक है। ओके, एक साथ करना होगा, है ना, बेसिक ड्यूटीज हम सबको मानना है एक साथ। यस यस, बिल्कुल करना होगा यार, ड्यूटीज हमारी है, करना ही होगा। हाँ, ये जरूरी है, इसके खिलाफ हमारे पास है ना यार, इसके खिलाफ है कि अगर भारत की सोवरेनिटी को अगर कोई हार्डशिप पहुंचाने का काम करता है तो उसके खिलाफ हम लोग उसको यूएपी लगा देंगे, पोटा लगा देंगे, डोटा लगा देंगे, हमारे पास 17वां एक्ट है इसके लिए, ठीक है, हो जाओ ना। ओके, ठीक है, तो आए वो समझ में आ रहे हैं, बहुत रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, ये बहुत सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑलरेडी हमारे पास लॉ में दिया हुआ है कि इसके खिलाफ अगर कोई आदमी कोई कार्रवाई करता है तो उसको लॉ के तहत पनिशमेंट होना चाहिए। डिफरेंट कंट्री सर्विस, ओके, ये भारत की मतलब डिफेंड कंट्री को डिफेंड करने के लिए जाना पड़ेगा जब भी जरूरत पड़ेगी, इसके मामले में हमारे पास कोई लॉ नहीं है, पर हमारी जो आर्मीज है वो इनफ कैपेबल है इस चीज को करने के लिए कि हमें इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं, तो इसको हमें वैसे भी इन्फोर्स करके हम लोग कोई बहुत हासिल कर लेने वाले है नहीं, ठीक है। बाद में बना है तो है ना, तो आप उसकी उसको डाल सकते हैं ना, मैं ओके पता नहीं। हाँ, हार्मनी, ब्रदरहुड, लिंग्विस्टिक डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये है। वुमेन के खिलाफ अगर कोई, वुमेन की डिग्निटी छीनने के लिए कोई कार्य करता है तो उसको तो हमने ऑलरेडी लॉ में सजा का प्रावधान कर रखा हुआ है, तो वो लॉ के अंडर तो आ ही रहा है ना, वो हम सबका राइट है, यस, लॉ के अंडर तो आ ही रहा है, तो इसको एनफोर्सेबल करके, ड्यूटीज को एनफोर्सेबल करके सब्जेक्टिव मैटर में काय को कूदना, ठीक है। कई लोग इस बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस मामले में कि फंडामेंटल ड्यूटीज में विमेन के लिए कोई बात करी गई कि नहीं पर्टिकुलरली, तो कई लोगों को याद ही नहीं रहता है क्योंकि वो पूरे मामले के बाद आती है, लिंग्विस्टिक, ब्रदरहुड, सबके बाद में एंड में आता है डिग्निटी ऑफ वुमेन, तो याद रखना है कि डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात करी जाती है, 5वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसमें डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात करी गई है। अगली चीज, रिच हेरिटेज कल्चर, हमारे रिच हेरिटेज कल्चर यानी कि हमारे कल्चर जो हेरिटेज प्लेसेस हैं वहां पर कोई लिखे नहीं करे नहीं, है ना, घुसा देंगे सॉवरेनिटी को कुछ करेंगे तो, और यूएपीए तो है ही। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, इवन यूएपीए की सब्जेक्टिविटी हम आज तक डिफाइन नहीं कर पाया अभिषेक, इफ यू फोकस अपॉन इट आपको पता होगा कि यूएपीए के अंडर क्या क्या हरकतें होती हैं, जो हमारे लिए अलाउड नहीं है बोलना, बट इन जनरल हम बात कर रहे हैं तो जानते हैं कि यूएपीए की सब्जेक्टिविटी कितनी वास्ट है, तो हम उससे डील नहीं कर पा रहे हैं। हम बताए ना, व्हाट इज डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब है कि मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, या एक मेरी अपनी लिबर्टी, मेरा स्वतंत्र, सब कुछ एक डिग्निटी, काफी कलेक्टिव टर्म है ना।
तो एक मेरी इज्जत, यस वेरी गुड, इज्जत इज फाइन वर्क्स, एंड मेरी इज्जत है, मुझे इज्जत के साथ जीवन जीने का अधिकार है, लाइफ विद डिग्निटी जिसकी बात हम करते हैं। तो ये बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे भी बड़ी चर्चा हुई थी इस मामले में कि फुल इज्जत, हाँ अब आप उनको चाहिए फुल इज्जत, ठीक है। अब हम वो गुड्डू पंडित नहीं रहे कि जो आगे कंप्लीट करो अभिषेक, फॉरेस्ट रिवर एनवायरमेंट, इसके बारे में हमारे पास में क्या है, फॉरेस्ट 1972 एक्ट नहीं है, ठीक है, हमारे पास में एनवायरमेंट का एक्ट नहीं है, है यानी कि एनफोर्स्ड है ऑलरेडी, ठीक है। अगली चीज साइंटिफिक टेंपर, अब ये मैंने पिछली बार में जब फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि क्या, एक बात बताइए, फंडामेंटल ड्यूटीज अगर एनफोर्सिएबल हो जाती है तो किसी को पकड़ के उठ उठ अभिषेक इधर सामने आ फटाफट, अब साइंटिफिक टेंपर नहीं, साइंटिफिक टेंपर डेवलप कर क्या कर रहा है, साइंटिफिक तरीके से काम करना है, तुझे रिसर्च करना है, अपना इंक्वायरी का एक स्पिरिट लेकर आ अपने अंदर, ऐसा कैसा कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, एनफोर्स करना पड़ेगा, इसको पकड़ो जेल में डालो, है ना। बहुत म्यूसिस भी करते हैं ना लोगों को, नहीं एनजीओ खुलूंगा उन सबको देखूंगा, यस गुड, है ना। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, साइंटिफिक और ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म तो आप बता के आप संस्कारों में उनके डेवलप कर सकते हैं, ये इंटरनलाइज कर सकते हैं, है ना, सर नहीं कर सकता बोल रहे, है ना, तो हमको इंटरनलाइज करना है, ठीक है। तो इसलिए साइंटिफिक टेंपर जो है हम ये इंटरनलाइज कर सकते हैं, या इंटरनल अंदर तक इसको लेकर जा सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे बोल बोल के इन्फोर्स नहीं कर सकते यार, है ना, मान प्रतिष्ठा है ना। तो ये चीज हम या इसको कैसे इन्फोर्स करेंगे, मतलब आई डोंट नो, जिन्होंने प्ली डाला उनको पता है, पब्लिक प्रॉपर्टी सेफगार्ड, इसके खिलाफ हमारे पास राइट्स है यार। अभी 2020 में यूपी का जो राइट आया, जो उस दिन बोला गया, उस दिन न्यूज आई थी इस मामले में, ठीक है, क्या आई थी, क्या न्यूज आई थी, कि जिन जिन लोगों ने दंगों में सामान का नुकसान किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि उनसे वो सारा पैसा रिफंड किया, आई मीन उनको वो सारा पैसा रिफंड किया जाए, क्योंकि यूपी सरकार ने ये डिसीजन लाया था कि जिन जिन लोगों ने दंगे में सामान का नुकसान किया है, उन लोगों से वो सारे पैसे वसूल लिए जाए, जो जो उन्होंने नुकसान, जितने अमाउंट का नुकसान उन्होंने किया है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जितने भी पैसे आपने लिए हैं वो सारे रिफंड कर दिए जाए, क्योंकि वहां पर जैसे कि हम जानते हैं भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता वगैरह वगैरह, ये सारा स्टेप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया। तो अब इसके इसका मतलब ऑलरेडी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान है ना, प्रेशराइज नहीं कर सकते है ना, आप कुछ और नहीं बने, ठीक है, क्या नहीं बने भाई, मैंने क्या नहीं बनना चाहिए था, ठीक है, स्ट्राइव एक्सीलेंस, ठीक है, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। आप इतने सब्जेक्टिव चीज हो ना, डर गए, मुझे लगा सर को क्या हो गया अचानक, ठीक है। आप एक्सीलेंस कितना सब्जेक्टिव टर्म है ना, लिए आईपीसी और कितने लॉ है, मतलब मैक्सिमम के लिए लॉ है ही, यस दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, अ लॉट ऑफ थिंग्स हमारे पास में लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट करना इज लाइक आई मीन आई डोंट नो कि ये कैसे वर्क करता है। एक्सीलेंस, ये स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस कितना, वो एक बात बताइए कि एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करना, इसमें दो और वर्ड है कि इंडिविजुअल भी, यानी कि इकलौते कि मेरे अकेले के लिए भी, और कलेक्टिव यानी कि सब पूरे देशवासियों के लिए भी, यानी कलेक्टिव सब समाज के तौर पर भी, कितना सब्जेक्टिव है। हम लोग ये बोले सब्जेक्टिव, मतलब हाँ आपस में मिलके सब लोग को डेवलपमेंट करना है, वाई बढ़िया एक्सीलेंस बनने का एक नंबर, मजे करेंगे सब लोग मिलके, एक्सीलेंट बनना है स्टॉप, कलेक्टिवली भी इंडिविजुअली भी, कितना सब्जेक्टिव है। हाउ कुड यू गो टू कोर्ट अगेंस्ट दिस, है ना, अगर आपको इसको इन्फोर्स करना है तो, ठीक है, रणवीर उसको मत छेड़ो भाई, ऐसा मत करो, ठीक है। और हाँ ये हमारे पास ऑलरेडी फंडामेंटल राइट है, यानी ये तो जस्टिस के अंडर, इसके अम्ब्रेला के अंडर ऑलरेडी आता ही है, नो रॉकेट साइंस, बहुत बेसिक सी बात है, आपको समझ में आ रही बात, तो आई होप आपको समझ में आया कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, इनको इन्फोर्स करने के पीछे क्या वजह है, या क्या डिमांड हो सकती है, इन्फोर्स होनी चाहिए, पर एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए, लीगल उसके लिए बैकग्राउंड होना चाहिए, लीगल उसको एक बेस होना चाहिए, वो होना जरूरी है, अदरवाइज इट वोंट वर्क, अदरवाइज इट्स है ना, ये सर ऐसा पार्टी करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ रहा है, बेसिक है, इसको अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, 21 ए फंडामेंटल राइट के तहत भी ऐड करा गया था 2002, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 96, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बेसिक है, कुछ ज्यादा है नहीं, यस बिल्कुल पार्टी करेंगे, ठीक है, कुछ ज्यादा इसमें ऐसे जाने जैसा आपके है नहीं। हाँ, जो जो आपको था बेसिक बेसिक पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है वो आपको आई होप के समझ में आ गया होगा, ठीक है। न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है वैसे, बहुत सारे जाने है ना बिहार में, आपका स्वागत है, ओके सत्यम, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। कहाँ तक पहुंचे भाई हम लोग, फ्रंट पेज हम लोग ने देख लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग ने देख ली, अब हम लोग देखते हैं पीपीएलआई स्कीम के बारे में, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पीएलआई स्कीम है क्या। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है ना, एक सेकंड फ्रंट पेज बताना, ओके भाई इसको फ्रंट पेज दिखा देते हैं, ये ले बेटा फ्रंट पेज, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या है वो भी जान लेते हैं, आप सब लोग जानते हैं, दो स्कीम तो हम कर ही ले चुके हैं ना, सर आप नहीं, अगर लॉ बना हुआ है तो फिर इसको एनफोर्स करवा के क्या अचार डालोगे क्या, है ना, हाँ आप समझ, हाँ मैं वही तो कह रहा हूं कि इन्फोर्स करके लॉ बने हुए हैं, है ना, क्लियर, यस, अगर लॉ बने हुए हैं इसका मतलब ये इन्फोर्स हो रही है ऑलरेडी, सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से नहीं हो रही है ना, विदिन दो कानूनों के बीच में उससे हैं, आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अपना समझो, ठीक है, हाँ ठीक है, यस फ्रंट पेज, आई होप यू हैव सीन इनफ ऑफ फ्रंट पेज, लेट्स मूव ऑन। की पीएलआई क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड
इंसेंटिव, मतलब सरकार बोलेगी कि भैया हम इतने पैसे देते हैं, हम लोग PLI ऑलरेडी किसके लिए लेकर आए भाई लोग, फार्मा के लिए। कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि फार्मा में उसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, ठीक है ना, साल्ट्स के ऊपर जो उसके अंदर डालते हैं उसके ऊपर हम लोग PLI के स्कीम का हिस्सा उसको बना रहे हैं, आपको शायद याद होगा। ठीक है, एक और चीज अब देख लेते कि टेक्सटाइल में उसका क्या रेफरेंस है, कि PLI स्कीम टेक्सटाइल का पार्ट है, टेक्सटाइल इसका पार्ट है इस PLI स्कीम का, जिसमें 13 सेक्टर उन्होंने अंदर लिए हुए हैं, जिसमें से हम जानते हैं ना कि मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, हार्डवेयर है, फिर फार्मास्यूटिकल्स है, ये हम लोग उस दिन देख चुके हैं। क्या बोल रहे हो अर्पिता, आप बोलो, बताओ बेटा मुझे अच्छे से बताओ। ठीक है, हाँ ओके, अगली चीज, ठीक है, आउटले कितना, 1.97 लाख करोड़ की स्कीम है टोटल, ये यूनियन बजट में आई थी पिछले साल के यूनियन बजट में, है ना यार, क्लास में पहले मैं बह गया मैं, ठीक है ओके। ओके नेक्स्ट थिंग, ओके, स्कीम एम्स टू एनकरेज लोकल कंपनीज टू सेटअप, इसका मतलब है, ध्यान से सुनना, ये डेटा आपको बाद में काम आएगा, पहले मेरा तो ध्यान दो। एक बिजनेस है, वो बिजनेस सेटअप अपने आपको सेटअप करता है और वो एक साल में 1,000 रुपए का उत्पादन करके देता है, प्रोडक्शन करके देता है। सरकार उसको कहती है कि अगर आप 1,000 रुपए का प्रोडक्शन करके दोगे तो अगली बार हमारी तरफ से आपको 100 रुपए हर 1,000 रुपए पे मिलेंगे। और उन्होंने बोला कि ठीक है, तो अब वो बढ़िया तरीके से और भी प्रोडक्शन करते हैं और वो अपने लिए तरीके भी ढूंढ कर लाते हैं सरकार की मदद से भी ऑब्वियसली, कि कैसे वो 1,000 रुपए का सामान बाजार में बिक जाएगा। ठीक है, अब वो 1,000 रुपए का प्रोडक्शन हर साल बढ़ाते बढ़ाते, एक बार 1,000, फिर अगली बार 2,000, तो अगली बार उनको पैसे भी 2,200 मिलेंगे। ठीक है, फिर अगली बार 3,000, तो पैसे भी 3,300 मिलेंगे, ताकि हर 1,000 रुपए के ऊपर 100 रुपया सरकार उनको इंसेंटिव दे रही है, यानी सब्सिडी दे रही है। इंसेंटिव सब्सिडी, इसका मतलब ये है कि या तो आप डायरेक्ट कैश में उनको पैसे दो, है ना, PLI मतलब, फिर से बताओ, ओके अमित ध्यान दो, PLI का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। अगर आप एक चीज का प्रोडक्शन जैसे हमने आपको बताया है उस तरीके से कर रहे हो या उतनी ताकत से कर रहे हो जिसकी जितनी ताकत से हमारी मार्केट को हेल्प मिल सके, तो सरकार कहती है इसके बेसिस पे हम आपको कुछ इंसेंटिव्स देंगे, आपको कुछ सब्सिडीज देंगे, उन सब्सिडीज को आप लीजिए, अपने प्रोडक्शन को और बढ़ाइए ताकि हमारे देश की इकोनॉमी विकसित हो सके। और इसीलिए हमने 13 सेक्टर्स चुने हैं, ठीक है, हमने 13 ऐसे सेक्टर्स चुने हैं जिनमें अगर हम PLI को अप्लाई कर देते हैं, अच्छा सब्सिडी, यस बेसिकली ये सब्सिडी है। ठीक है, सब्सिडी में कई बार क्या होता है कि आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे चीजें मिल जाती है, कई बार आपको लेना तो पूरे पैसे में पड़ता है, बाद में सरकार उन पैसों को रिवर्ट बैक कर देती है आपके अकाउंट में, जैसे गैस सिलेंडर के मामले में होता है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर यह हो रहा है कि अगर आप अच्छी चीज, अच्छा प्रोडक्शन करके देते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके देते हैं, तो फिर आप उसको लेकर जाएंगे, आप उसका प्रोडक्शन को सरकार के सामने रखेंगे और बताएंगे कि हमने 1,000 रुपए का प्रोडक्शन किया है, सरकार बोलेगी यस वेरी गुड, है ना ओके। तो हाँ वही तो, गलत है बेटा, गलत है, ठीक है, यस वेरी गुड अर्पिता, नाइस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सब्सिडी दे रही है ताकि ज्यादा प्रोडक्शन होए और GDP में ग्रोथ आ सके। यस सर, बहुत सारा सब्सिडी मिलता है, LPG पे, गैस पे मिलता था, है ना, अभी भी मिलता है, सारी सब्सिडी बंद नहीं हुई है, हाँ कुछ कुछ जगह बंद हो गई है, कुछ कुछ लोगों को वहां पर कई सारी चीजें हैं ना, गब्बर सिंह टैक्स, हमें कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देने हैं महेंद्र, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि गब्बर सिंह टैक्स अदर चीजें क्या है। ठीक है, तो आई होप किसी को, अमित ने पूछा था कि सर ये बात वापस बताइए PLI क्या है, वो बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब आगे बढ़कर देखते हैं कि PLI में सेक्टर्स कौन से आते हैं भैया, कौन से आते हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, फोन है, टेलीकॉम है, इक्विपमेंट है, व्हाइट गुड्स है, केमिकल सेल्स है, फूड प्रोसेसिंग है, यानी कि बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लोग ऑलरेडी ये अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीजों पे हम लोग PLI ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। टोटल 10,683 करोड़ के इंसेंटिव दिए जाएंगे किसके ऊपर, इन 5 सालों में इतने हजारों करोड़ के इंसेंटिव दिए जाएंगे, और जो टोटल स्कीम है वो है 1.97 लाख करोड़, यानी 2 लाख करोड़ की स्कीम है। ठीक है, अगली चीज, अब 19,000 करोड़ से ज्यादा का फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस मामले में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सरकार ये बोल रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो तो हम आपको इंसेंटिव देंगे, पैसे देंगे। जैसे मैंने आपको बताया 1,000 का प्रोडक्शन के सब्सिडी क्या होती है, बता दो हमारे पे, तो सब्सिडी क्या होती है शायद आपने भी वो गैस सिलेंडर वाला एग्जांपल नहीं सुना, बट मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ एक बार कि सब्सिडी क्या होती है। सब्सिडी का मतलब मैंने आपको बताया ना कि कई बार जो लोग होते हैं जो सरकार है ना गुस्सा हो जाएंगे, पढ़ो लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, हाँ ओके वेरी गुड बेटा, सब्सिडी क्या होती है बेटा, ध्यान देना अर्पिता, सब्सिडी क्या होती है कि जब हिंदी में पढ़ा, हिंदी में मैं कौन सा, कौन हिब्रू में पढ़ा रहा हूँ क्या, मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ दिनेश, ध्यान दीजिए।
सब्सिडी क्या होती है? जब सरकार आपको ये कहती है कि आप कोई चीज़ खरीदिए या दीजिए और उसके लिए हम आपको प्रमोट करेंगे, जैसे कि सोलर सेल्स हो गए या फिर सोलर पैनल्स हो गए या फिर विंड एनर्जी हो गया या फिर गैस सिलेंडर हो गया, सरकार नहीं चाहती थी कि आप चूल्हे पे खाना पकाओ इसलिए गैस सिलेंडर पे सब्सिडी दे दी। आप 1000 रुपये का सिलेंडर खरीद लेते थे और उसके बाद में सरकार आपको वहां 1000 रुपये देने को लगा देती थी, बाद में आपके बैंक अकाउंट में 300-400 रुपये रिवर्ट कर देती थी ताकि आपको सिलेंडर 600 रुपये का पड़ेगा। ये भी एक सब्सिडी का प्रकार है। इंसेंटिव का एक और प्रकार है कि सरकार बोलती है आप खरीदते टाइम ही आपको 1 लाख रुपये की चीज 40,000 में पड़ जाएगी, 60,000 रुपये सरकार अपने तरफ से देगी। जो प्रोडक्शन करने वाला है उसको तो पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन उसका बचा हुआ पैसा जो है खरीदार के अलावा बचा हुआ पैसा सरकार देगी, तो उसको सब्सिडी बोला जाता है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अगली चीज क्या है कि 3 लाख करोड़ का टर्नओवर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये आंकड़े जानना इसलिए जरूरी है कि स्कीम कितना बढ़ाई है आपके लिए, मतलब ये समझना जरूरी है, और कई बार आंकड़े आपको एग्जाम में पूछ लेंगे तो बोल नहीं सकते। 7 लाख जॉब, ये इंपॉर्टेंट है कि 7 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज कि हम लोग लाएंगे और वुमेन को भी मेन स्ट्रीम में लाएंगे, इकोनॉमी में लाएंगे। ये PLI जो टेक्सटाइल के साथ साथ बाकी चीजों में भी रिलेट करती है उसमें इनका एम है, तो आपको याद रखना है ये सरकारी आंकड़ा है। डोमिनेंट इंपैक्ट ऑन स्टेट्स लाइक गुजरात, ऑब्वियस बात है, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा, इन राज्यों पे डोमिनेंट इंपैक्ट देखा जा सकता है, ठीक है, गैस पे यस मिलता है। अब मिलता होगा तो पता नहीं, अब वो सब्जेक्टिव हर किसी के लिए अलग है, ठीक है। टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर जो है वो भारत का सेकंड है इन टर्म, किसके बाद में, एग्रीकल्चर के बाद में, एग्रीकल्चर के बाद में सेकंड चीज है जो प्रोवाइडिंग जॉब में कितना, 45 मिलियन पीपल को जॉब प्रोवाइड करता है, मतलब करीब करीब 4.5 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है भारत में टेक्सटाइल सेक्टर, है ना, बाजार के जो पर अंदर सब्सिडी है ना, वो तो समझ गया, ओके वेरी गुड, है ना, ओके जैसे पहले हाँ अगले ना एलपीजी गैस बंद हो गई, सब्सिडी हो गया होगा महिंद्रा, आई डोंट नो बेटा, ठीक है। अगली चीज, तो ये PLI के बारे में बात थी भाई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में PLI क्या करता है क्या नहीं करता इसके बारे में बात थी, ध्यान देके समझो, ठीक है ना, ओके। और कुछ नहीं समझ में आ रहा हो आपको अर्पिता तो पूछ लेना, ठीक है, कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या हो रहा है, राइनो पोचर, यानी कि यहाँ राइनो की पोचिंग हो रही है, शिकार हो रही है, तो जो शिकारी व्यक्ति है उसने क्या किया, जंप्स इनटू रिवर, भग गया, वो अपने लिए काम की चीज नहीं, वो भग गया, केरला में उसको पकड़ा गया था, कहीं लेकर जा रहे थे आसाम के जेल में और भग गया, वो जरूरी नहीं, हमारे लिए जरूरी क्या है, ये आदमी जरूरी है, बंदा जरूरी है, राइनो क्या है, राइनो के बारे में डिस्कशन, हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये काजीरंगा का क्या रेफरेंस है वो जान लेते हैं, पोचिंग के खिलाफ अनवर क्या है, गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल सेक्टर है ना, ये क्या है ये हम लोग देख लेते हैं आगे चल के। क्या होता है सबसे पहले तो कि कितने प्रकार के राइनोज हैं, है ना, कितने प्रकार के लोग हैं, आई मीन कितने प्रकार के राइनोज एग्जिस्ट करते हैं, क्या क्या उनके साथ में होता है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम लोग जैसे कि ये इस इमेज में जान लेते हैं, ये है राइनोसोर, है ना, वन हॉर्न राइनोसोर, है ना, अरे बाप रे ये क्या है, ठीक है, ये तो इलीगल है ना पकड़ना क्या, उनकी पोचिंग करना इलीगल है, यानी उनकी शिकार जो है वो इलीगल है करना, ठीक है, तो उसके मामले में तो हम जानते हैं इसके ऊपर से, है ना, यूपी में भी, ओके, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, है ना, मैंने लिखा भी था बेटा ऊपर पहली स्लाइड में, क्या, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के तौर पर उसको लिख भी दिया था, शायद आपने पढ़ा नहीं, मैंने लिखा था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। अब हुआ क्या है कि एक केस आया है जिसमें हमने देखा कि भैया पोचिंग हुआ है, है ना, क्या हुआ है, ध्यान कर देना, पोचिंग हुआ है यानी कि शिकार हुई है, ठीक है। अब जो शिकार हुई है वो कहां, वन हॉर्न राइनो की हुई है, और हुई कहां पे, काजीरंगा नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पड़ता है, असम में पड़ता है, ठीक है। तो स्पेशली वैसे राइनो के 5 स्पीशीज है जो बहुत फेमस है, ठीक है, जैसे कि व्हाइट एंड ब्लैक राइनो है जो अफ्रीका में पाए जाते हैं, ग्रेटर वन हॉर्न और जावन है सुमात्रा, जो जावा सुमात्रा बेटों पे पाए जाते हैं जो एशिया में पड़ते हैं, ब्लैक राइनो जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, है ना, और बाकी के जो अफ्रीकन स्पीसीज है उसमें वो छोटा वाला है, ब्लैक वाला जो है ना, एक सिंगा, ठीक है, हाँ ओके, सामने से देखा है, गुड, है ना, मार्केट प्रॉफिट में बेचना, यस वेरी गुड बेटा, ठीक है। व्हाइट राइनो जो है वो नियर थ्रेटन्ड है, मतलब अभी इतना धोखे में नहीं है पर नियर थ्रेटन्ड है, ठीक है। अगली चीज क्या है कि रिसर्चर्स ने एक अलग से आईवीएफ प्रोसेस क्या होता है, आईवीएफ प्रोसेस मतलब बेसिकली इन्होंने ये बोला है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि कहीं से आसाम में काजीरंगा, यस वेरी गुड, है ना, कहीं से उन्होंने कुछ चीज निकाल ली, कहीं से उन्होंने कुछ चीज निकाल दी, तो उनको लेकर आके उन्होंने फिर फाइनली बोल दिया कि इसको हम बना लेंगे, है ना, व्हाइट राइनो, है ना, उसको हम बना लेंगे इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी आप देखते हैं ना, कि स्पर्म कहीं और से लेकर आते हैं आप, एक कहीं और से लेकर आते हैं, कहीं और से मतलब भले ही फादर मदर सेम उनसे ही लेकर आते हो, लेकिन उसको जाके लेबोरेटरी में उसका फर्टिलाइजेशन करना, यानी इन विट्रो अंदर, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम लोग इस तरीके से जानते हैं, इनका डेटा कहाँ गया ये जान लेते हैं। तो जो व्हाइट राइनो है ये नियर थ्रेटन्ड है, ठीक है, रिसर्चर्स ने इसका IVF से इसका इम्ब्रियो जमा करने की कोशिश करी है, और अब है ना कितना दिखता है, वाव, है ना, यस व्हाइट राइनो, ओके। वन हॉर्न राइनो जो है वो वल्नरेबल है, ये इनकी क्या है, जावन मतलब क्या, जो जावा पे पाए जाते हैं, सुमात्रन राइनो जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना, एक्सटिंक्ट इन मलेशिया में ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, मलेशिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसको लिख लो, एक्सटिंक्ट हो चुका है मलेशिया में, कौन
जो सुमात्रन राइनो है वो मलेशिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है, गया सीधा, हट गया, अब दिखता ही नहीं है, ठीक है, हटा दीजिए सर अब, ठीक है। अगली, ओनली द ग्रेट वन हॉर्न राइनो इज फाउंड इन इंडिया, भारत में सिर्फ और सिर्फ ग्रेट वन हॉर्न राइनो, ये भी अराउंड अच्छे खासा पॉपुलेशन, मोर देन 3000 हमारे पास पाए जाते थे, एक टाइम था जब हमारे पास में 3000 से ज्यादा पाए जाते थे वन हॉर्न राइनोस, ठीक है, ओके जस्ट ओके, इतना डेंजरस भी है भाई, है कैसा एनिमल जो पानी में भी रहता है उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, हिप्पोपोटामस, ऑल्सो नोन एज इंडियन राइनो, इट इज द लार्जेस्ट ऑफ राइनो स्पीशीज, जो पांच राइनो स्पीशीज है उनमें से सबसे बड़ा है इंडियन राइनो, इंडियन राइनो उनमें से सबसे बड़ा है। अगली चीज, दे प्राइमरीली ग्रेज, यानी वो चरते हैं, क्या खाते हैं, डाइट क्या है उनमा, उनका क्या है डाइट, ग्रासेस यानी गवत, घास खाते हैं, लीव्स पत्ते खाते हैं, ब्रांचेस श्रब्स ट्रीज फ्रूट एंड एक्वाटिक प्लांट्स, इसके अलावा वो कुछ नहीं खाते हैं। हेलो जस्मिन नमस्ते, यस 30,000 प्लस हमारे पास एक टाइम, ठीक है, ओके। हैबिटेट, कहाँ रहते हैं, उनका निवास कहाँ पर है वो देख लेते हैं, इंडो नेपाल तराई रीजन के आसपास, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल और असम, यहाँ पर वो पाए जाते हैं, ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है, हिप्पो, ओके, है ना, बहुत से एनिमल स्पीशीज है ऐसी जो नियर एक्सटिंक्शन है, हाँ, इसीलिए तो हम लोग IUCN के हिसाब से उनकी लिस्टिंग भी तो करते हैं, रेड लिस्ट जो है ना, तो वो भी हम लोग इसके हिसाब से जानते हैं। अब राइनोज कहां मिलते हैं इंडिया में, असम में, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में मेनली कहां पाए जाते हैं, ठीक है, यस गो ऑन बेटा, टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है, हाँ, असम में करीब करीब 2640 राइनोज, 4 प्रोटेक्टेड एरियाज, 4 अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज है, इनका नाम ध्यान में रख लो, कौन सा है, पाबिटोरा वाइल्ड लाइफ रिजर्व, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, मानस मैं बॉक्स कर देता हूं, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग, इसको याद रख लो, ठीक है, पाबिटोरा और काजीरंगा, इन चारों में पाए जाते हैं करीब करीब 2640 के आसपास राइनोज पाए जाते हैं, यस वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, वेज खाना खाता है, 2400 ऑफ देम आर इन द काजीरंगा, यानी कि बाकी की जगह पे बहुत छोटे छोटे हैं, अराउंड 2000 से ज्यादा जो है वो काजीरंगा में पाए जाते हैं, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ये भी हम जानते हैं, गायब तो हो जाओ, ठीक है, मैं हो गया गायब, लो भाई कर लो, ठीक है, ले लो, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, हैबिटेट कहाँ है, क्या खाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा उनका क्या क्या उनका स्टेटस है, वो भी हमने देख लिया, इन चारों नेशनल पार्क के नाम आपको याद रखने हैं कि जहाँ जाए ज्यादा तौर पर पाए जाते हैं, बाकी के जो 200-250 बचे हुए वही बाकी तीनों में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा तो ये लोग काजीरंगा में ही पाए जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगली चीज क्या है, स्टेट ऑफ द राइनो 2020, ये क्या बता रहा है, राइनो फाउंडेशन ने हमें एक आंकड़ा दिया है, ठीक है, कि इनका पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, ये ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है, ये व्हाइट राइनो है जो थोड़ा छोटा होता है, ब्लैक राइनो जो थोड़ा बड़ा होता है, मतलब ऑब्वियसली उससे बड़ा होता है, एक है जावन, एक है सुमात्रा, ठीक है, और ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो भारत में देखने को मिलता है ना, ग्रेटर ये सबसे बड़ा है ना, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितना है, 3600 के आसपास है, ठीक है, इंक्रीजिंग, इसका जो IUCN स्टेटस क्या है कि ये बोल रहा है कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, फाउंडिंग यस है ना, इनकी क्या है पॉपुलेशन बढ़ रही है, नेशनल पार्क है 4, इंग्लिश नेम हिप्पोपोटामस है, हिप्पोकैम्पस है, ठीक है, हिप्पोपोटामस पढ़ा था भाई मैंने तो, ठीक है, जो व्हाइट राइनो उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, डिक्रीजिंग है ना, इसलिए ये नियर सेकंड के आसपास है, ये वल्नरेबल है, अभी भी धोखे के अंडर है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर हो गया है, ये इंक्रीजिंग यानी कि ब्लैक राइनो की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है ना, फिर भी ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज है, इसकी पॉपुलेशन स्टेबल है, ज्यादा है नहीं है जावन राइनोज, और ये क्रिटिकली ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ज्यादा बचेंगे नहीं, ये भी 80 से कम बचे हैं, ज्यादा मतलब 80 ज्यादा बचे वैसे तो, पर इनका पॉपुलेशन डिक्रीजिंग है, तो ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और ये भी बचेंगे नहीं, यानी कि ये दो एक्सटिंक्ट होने की संभावनाएं ज्यादा है, ठीक है, वर्ल्ड वेरी गुड, हैप्पी, वेरी गुड, वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है 22 सितंबर को, हमने सब देखा है, वेरी गुड बेटा, है ना, ओके, आगे बढ़ के देखते हैं, ये वन हॉर्न राइनो है, ये तो आपको पता है, ठीक है, ये वन हॉर्न राइनो है, इसके बारे में जान लीजिए, एक आर्टिकल इसमें, ये कुछ नहीं है, छोटा सा न्यूज है, क्या है कि हर प्रेसिडेंट अपने इसमें एक बार नेवल फ्लीट को, अरे अभिषेक क्या करता है, वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर है, लिख लो ओके, 22 सितंबर वर्ल्ड राइनो डे, और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है, हर प्रेसिडेंट अपने कार्यकाल में एक बार नेवल फ्लीट का काम देखने जाता है कि क्या वो अप टू डेट है कि नहीं, अप टू मार्क है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है, एक बार वो जाता है देखने, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर होता है तीनों फोर्सेस का, सुप्रीम कमांडर होता है तीनों फोर्सेस का, तो ध्यान दो इन चीजों में, ठीक है,
खत्म है ना, पैराडॉक्स प्रोटॉन भी सेड आई कैन फील ऑल्सो। ठीक है, अगली चीज, अब यहाँ पे आपको ये पता है क्या है, कहाँ गए? तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है वो गए हुए और उन्होंने बोला कि अप टू डेट है, हम किसी भी प्रकार के धोखे के लिए तैयार है। तो ये प्रेसिडेंशियल फ्री ट्रिब्यू के लिए मैंने आपको बताया, इसमें कुछ है नहीं, लिख लिया सर 22 सितंबर वर्ल्ड रेनो डे। अगली चीज, लेट्स मूव ऑन, क्या बात है, यूज इंटरनेशनल लॉ कॉल आउट चाइनाज वायोलेशन। क्या बात हो रही है भारत चाइना के सितंबर रिलेशन में और क्या चीजें हैं, मैं आपको कुछ लिस्ट बता देता हूँ, वो आपको याद रखनी है या फिर ध्यान में रखनी है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल बात कर रहा है कि किस प्रकार से भारत को भी चाइना के तरीके ही जाके उनको काउंटर करना चाहिए। क्या तरीका है उनका? इंटरनेशनल लॉज को इस्तेमाल करने का, ट्रेड रिजीम में खराब काम करने का। खराब काम कैसे? मतलब लोगों को ये लगे कि बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन वो करते क्या है, वो यहाँ पर डेट ट्रैप वाली पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं। तो वो हम भी कर सकते हैं, इंडिया भी तो कर सकता है ना। तो अब इसमें ये जो आर्टिकल है ये हमें कुछ चीजें याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? कि 1993 में इंडिया और चाइना का एग्रीमेंट हुआ था, जैसे अभी हो रहे हमारे एग्रीमेंट है ना, तो वैसे उस टाइम पे इंडिया और चाइना का एग्रीमेंट हुआ था 1993 में। ठीक है, ऐसे ही हमारे अलग अलग चीजों में एग्रीमेंट होते रहते हैं। और इसका मतलब क्या था कि किसी भी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे या किसी को भी कोई थ्रेटन नहीं करेगा, थ्रेटन नहीं करेगा और फोर्स का इस्तेमाल भी नहीं करेगा, फोर्स का यूज भी नहीं करेगा किसी के अगेंस्ट कोई भी। ये 1993 में मिलिट्री एग्रीमेंट्स के तहत हम लोग एक इस एग्रीमेंट पे पहुंचे रहे। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होता है, फिर इसके बाद आता है एक और चीज कि हम लोग किस प्रकार से 1996 में भी एक हम लोगों ने उनके साथ एग्रीमेंट किया था जिसके तहत हम लोग मिलिट्री कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो था आर्टिकल 1 ऑफ 1996 एग्रीमेंट, जिसमें यह तय हुआ था कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट, है ना। यानी कि क्या, यानी कि गन्स, ठीक है, मोटर्स, मतलब मोटर गन्स, ठीक है, टैंक्स, मिसाइल्स, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल उनके अगेंस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, चाइना के नाम से याद आया है ना, सर यूक्रेन को अलग कंट्री रिकॉग्नाइज किया है, रात में देखा था, ध्यान देना अलग कंट्री क्या है वो, उसमें भी भाई अलगाववादी लोगों का ये अलग, इतना सॉर्टेड मामला नहीं जितना हम समझ रहे हैं। ठीक है, आप हाउस को भी बोल रहे हो। ठीक है, हाँ, एक और चीज, अब ऐसे अलग अलग आर्टिकल्स हैं। एक और आर्टिकल आता है 2005 में, ठीक है, और जो बात करता है, मतलब ये किस किस में है, क्या क्या है, 2005 में हम लोगों ने एक उनके साथ किया था, 2013 में किया था, तो एग्रीमेंट्स हम लोग करते रहते हैं। इन एग्रीमेंट्स को मैं क्यों लिखवा रहा हूँ आपको, क्योंकि किस एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ था ये आपको क्या पता पूछ ले इंडो चाइना स्टैंड ऑफ के मामले में। ठीक है, इस बार वैसे इंडो चाइना स्टैंड ऑफ मामला आने का चांसेस कम है, बट फिर भी हम लोग जानते हैं कि हो सकता है कुछ भी। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या फॉरबिडन, अच्छा यूएन ने भी क्या बोला हुआ है, यूनाइटेड नेशन भी कहता है अपने एक चार्टर में, जो चार्टर उन्होंने निकाल कर लाए थे, वो उसके चार्टर में वो कहता है कि भैया जिसमें आर्टिकल 2 है जिसका चौथा क्लॉज है, आर्टिकल 2 और सबसेक्शन 4 या फिर क्लॉज 4 ये कहता है कि फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते इंटरनेशनल रिलेशंस में। यानी कि आप इंटरनेशनल रिलेशन में, क्योंकि अंदर अंदर तो आप अपने देश में क्या कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल रिलेशन में आप फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, वॉर तो वॉर होगा ही ना, यही तो मामला है कि वॉर करना नहीं है, विदाउट गन कैसे वॉर होगा, मतलब क्या, हम लोग मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका मतलब वॉर नहीं करेंगे, ध्यान दो। अब हम बोलते हैं कि ठीक है, पर यूनाइटेड नेशन ने इसमें क्या रखा है, एक्सेप्शन रखे हैं। क्या एक्सेप्शन रखे हैं इस क्लॉज में, आर्टिकल 2 में, चार्टर, एक चार्टर के तहत आया था ये, तो इस चार्टर के क्लॉज आर्टिकल 2 क्लॉज 4 के लिए एक्सेप्शन क्या रखे हुए हैं, एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं, या तो आप सेल्फ डिफेंस में अटैक करो, सेल्फ डिफेंस में वापस उसको रिटेलिएट करो, अटैक तो नहीं उसको बोलेंगे, और दूसरा क्या है कि यूएनएससी की परमिशन से, परमिशन ही उसको मैं कहूंगा, वैसे यहाँ ऑथोरिटी वर्ड ज्यादा बेटर है, लेकिन जिस प्रकार से वो काम करता है ऑटोक्रेटिक तरीके से, इसलिए उसको मैं परमिशन कहूंगा, उसके परमिशन से, ऑथोरिटी से आप उसको एग्रीमेंट नहीं करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट भी होता है जिनमें आप हमेशा एग्रीमेंट यस, क्योंकि एग्रीमेंट होता है, ये एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज, हमेशा आपको कॉन्ट्रैक्ट पता है ना, आप लॉ के स्टूडेंट से, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें रिसीवर होगा, देने वाला होगा, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें आएगी, एग्रीमेंट में आप अब क्या बोलते हैं उसको, समसामयिक तरीके से आप मिल के उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो होता है उसकी टर्म्स डिसाइड करोगे, क्या क्या चीजें होती है, डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी ये खबर आई है कल, है ना, यस, हमारे गांव में होता था, है ना, पड़ोसी के लिए लड़ाई ज्यादातर वॉर्स विदाउट आर्म्स होती है ना, तो ये लोग आर्म्स के बिना लड़ाई नहीं करेंगे। और एक्सेप्शन क्या है ये भी याद रखना है, एक नए चार्टर से आया हुआ था यूएन के। ठीक है, तो अब हम ये चाहते हैं कि चाइना जैसे नए नए बॉर्डर लॉ लेकर आ रहा है, जिसके तहत उसने अरुणाचल में जगहों का नाम बदल दिया, कुछ दिनों पहले हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों का नाम बदल दिया, 15 प्लेसेस उनका नाम बदल दिया वगैरह, ऐसी चीजें जो होती रहती हैं, उसके लिए भारत ने भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए और सेल्फ डिफेंस में उनके साथ रिटेलिएट करना चाहिए, ये आर्टिकल का मानना है। ठीक है,
तो इसलिए इन्होंने बोला है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट पता है ना, हाँ, तो इसलिए विनोबा कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड बेटा, है ना, इसलिए बोला है कि हम लोग वर्ल्ड ट्रेड रेजिम में भी जब चाइना ये अपना रहा है पॉलिसी, तो उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा सकते हैं, वोकल हो सकते हैं कि चाइना कैसे गलत कर रहा है, और ज्यादा नहीं समझ में आता है तो रिटालिएट कर सकते हैं इस मामले में, क्योंकि यहाँ पर तो चाइना खुद पार्टिसिपेंट है, इसलिए यहाँ से अथॉरिटी या परमिशन हमें मिलेगा नहीं, ठीक है। इन्वेस्टर्स 4x6 लाख करोड़ होता है रशियन वॉलेट, है ना, पुतिन मेक दिस स्ट्रीट इन्वेस्टर्स 4x6 लाख करोड़, पूरा मामला बहुत पेचीदा है, ठीक है, वी नो इट वेरी वेल, वेरी गुड नॉरिन, वेरी गुड, है ना, आप जानते आई होप, है ना। तो ये चाइना क्या करता है, करेंसी को मैनिपुलेट करता है, बिजनेसेस को मैनिपुलेट करता है, तो हम लोग इस, ये जो उनका अलग से पूरा पूरा चीज दिया हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा सकते हैं, पूरा पूरा आवाज उठा सकते हैं, और ये बोल सकते हैं कि किस प्रकार से हमें इनको जाके बोलना है कि भैया आप ऐसे मत करिए, मिस एडवेंचर मत करिए, आप लोग, ये सारे आर्टिकल में दिए गए पॉइंट्स हैं, आप लोग चुपचाप रहिए, हमें भी रहने दीजिए, आप भी रहिए, लोगों को ट्रेड डेप में ना फंसाए, डेप के ट्रैप में ना फंसाए, आज उनके पास इन्फॉर्मेशन रिसीव कर दिए, ठीक है, कहाँ से पढ़ के आते हो पता नहीं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट, वेरी गुड, बट नॉट ऑल एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट, टू एग्रीमेंट हैव वैलिड कंसिडरेशन एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। तो चाइना को हमें कॉल आउट करना पड़ेगा, ये बात यहाँ पर की जा रही है, इसके अलावा कोई और बात नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है, आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, कॉर्बेवैक्स नाम का जो वैक्सीन है ये अलाउ कर दिया है, ये भी ध्यान में रख लो, इसमें भी एक लाइन है याद रखने की, क्या कि कॉर्बेवैक्स जो है उसको अलाउ कर दिया गया है 12 से 18 साल के बच्चों के लिए। कॉर्बेवैक्स को बनाया किसने है या अप्रूव किसने किया, पहले तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने इसको अप्रूव कर दिया है या बोला है कि कोई बात नहीं आप कर सकते हो, इमरजेंसी उसको ऑथोराइजेशन दे दिया है, और इसी के साथ में ये बनाया किसने है, बायोलॉजिकल ई ने, किसने बनाया है, बायोलॉजिकल ई, है ना, बायोलॉजिकल ई नाम की कंपनी ने बनाया है कॉर्बेवैक्स को, ठीक है, नहीं होगा शिवानी, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है, वो अलग, वी आर प्लानिंग समथिंग डिफरेंट फॉर इट, क्योंकि इतनी सारी न्यूज है तो हम उसको कवर करेंगे पहले। अब तक सिर्फ कोवैक्सीन को ये परमिशन मिली हुई थी जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीन देने की, कोवैक्सीन को, है ना, विजय सोमानी, यस, वेरी गुड बेटा, है ना। दूसरी चीज, है ना, सर मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, वेरी गुड बेटा, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, ठीक है। बायोलॉजिकल ई कंपनी का नाम, बनाया कौन से, नई वैक्सीन है, हाँ, बनाया कौन से, कॉर्बेवैक्स नाम की वैक्सीन बनाई है, वो दी जाएगी 12 से 18 साल को बच्चों को, अब तक सिर्फ और सिर्फ 15 से 18 साल के बच्चों को दी जा रही थी कोवैक्सीन, और इसको इमरजेंसी यूज का ऑथोराइजेशन का जो सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा मिला है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI के पास से मिला है। 5 चीजें हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, तो जान कॉर्बेवैक्स इज मेड बाय बायोलॉजिकल ई, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ओके, यस, आपको जरूर 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 पार्टिसिपेट करना है, कि हम लोग जब भी ये टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, यू विल विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस, यू विल विन, आपको पता चलेगा कि आप कितने तैयार है हर चीज के लिए, और ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, तो यू नीड टू पार्टिसिपेट, एक्टिव पार्टिसिपेशन लेना है, और काफी बंपर डिस्काउंट्स आपको इसमें मिल सकते हैं, तो जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ये 21 फरवरी से शुरू हुआ है, यानी कि कल से शुरू हो चुका है, और आप इसको दे सकते हैं मंडे को, आप कल का चांस मिस कर गए, वेनसडे को, फ्राइडे को 8:30 PM लाइव जाएगा, इसमें जरूर हिस्सा ले, फ्री है, ऑल इंडिया के लोग इसको दे सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इज, थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड द क्लास, जो जो चीजें मैं पढ़ाता हूँ उसमें आप ध्यान दिया करो, और काफी अच्छा था, काफी अच्छा लगा कि हमने इतनी सारी चीजें कवर करी, बहुत सी चीजें कवर करी अपन ने आज, लोग आप इस पे ध्यान दो कि हम लोग कई बार बोलते बोलते पता नहीं चलता है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरी फोटो देखी, फिर उसके बाद में हम लोगों ने फ्रंट पेज देखा, PLI क्या होता है देखा, फंडामेंटल ड्यूटीज देखी, PLI का हमारे क्या फायदा होने वाला है देखा, और हम लोगों ने, है ना, फ्री टाइम लोना हाथ लेने वाले, अभिषेक लेने वाले, फिर इसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि किस प्रकार से हम लोग वन ऑन राइनो के साथ में क्या क्या है, क्या क्या चीजें डील करते हैं, है ना, मजा आ गया, यस, है ना। फिर हम लोगों ने क्या देखा, फिर हम लोगों ने देखा कि कोविंद साहब जो है हमारे ऑनरेरी प्रेसिडेंट है वो कहाँ गए हुए हैं, ठीक है, क्या किसको विजिट कर रहे हैं, प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू क्या होता है वो भी जाना, एक बार अपने कार्यकाल में करना होता है, और चाइना और इंडिया के रिलेशन के लिए भी हम लोगों ने देख लिया कि इंडिया चाइना रिलेशन की, ये आर्टिकल क्या बोलता है कि हमें इंटरनेशनली जाके उनके खिलाफ लॉस को प्रोक्लेम करना चाहिए, या फिर जाके उनको आवाज उठानी चाहिए उनके खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पे जाके। फिर हम लोगों ने क्या देखा, कोर्बेवैक्स वैक्सीन आ रही है, अप्रूवल मिल गया है, इसके पहले क्या था, कोवैक्सीन को अप्रूवल था, फिर हम लोगों ने टेस्ट सीरीज देखा, फिर थैंक यू देखा, और फिर गुड डे देखा। तो अगले सेक्शन में मिलते हैं, तब तक के लिए आप आराम करो, पढ़ाई करो, रिवीजन करते रहिए, कुछ दिक्कत आती तो यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम यू वांट, एनी टाइम यू नीड, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे, और जय हिंद।